स्वागत है आपका प्रयासवित टारगेट में, आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं आज लाया हूँ आपको योजनाओं का पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूँ। पहली योजनाएं काफ़ी बच्चों को पसंद आई तो उन्होंने कमेंट्स करके बोला कि सर आप सेकंड पार्ट योजना का बनाएंगे, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो पहली योजना है जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। यह योजना कब स्टार्ट की गई, तो प्यारे बच्चों इसकी स्टार्ट की गई, लिखेंगे इसका आंसर 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट की गई। हाल फिलहाल में पैरालंपिक के अंदर टोक्यो के अंदर ओलंपिक हुए थे, उसके बाद पैरालंपिक हुए, तो वहीं से भारत की ओर से अवनी लेखरा, किसने, अवनी लेखरा ने भारत की ओर से गोल्ड मेडल जीता। अवनी लेखरा ने, भैया लिखेंगे यहाँ पे अवनी लेखरा, भारत की ओर से गोल्ड मेडल जीता है, यानी 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इन्होंने अपना गोल्ड पाया है। तो अवनी लेखरा बिलोंग करती है राजस्थान से, तो राजस्थान सरकार ने अवनी लेखरा को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा ये स्टार्ट होता है 25 जून 2015। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो लोग झोपड़ियों में और झुग्गियों में बिलोंग कर रहे थे या रह रहे थे, उन लोगों के लिए योजना स्टार्ट की है प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री आवास योजना। अगली योजना आपके साथ में आ रही है प्यारे बच्चों, स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को, यानी दोनों की दोनों एक ही दिन इसका योजना का घोषणा की गई थी 25 जून 2015 को। इसके अंतर्गत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का उद्देश्य रखा गया था। अगली योजना आ रही है आपकी डिजिटल इंडिया मिशन योजना, इसकी शुरुआत होती है 1 जुलाई 2015। इसकी शुरुआत कब होती है प्यारे बच्चों, 1 जुलाई 2015 को। तो भैया पहले सारा काम हमारा मैनुअल होता था, उसी को देखते हुए ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था, तो डिजिटल इंडिया आने के कारण हमारा काम करने में आसानी हो गई है। तो अगली जो तुम्हारे पास योजना आ रही है प्यारे बच्चों, स्किल इंडिया मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत वे लोग जो बेरोजगार हैं उनको स्किल्स के द्वारा रोजगार उत्पन्न कराना इस मिशन का उद्देश्य था। अगली है हमारे पास योजना आ रही है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चों 5 अप्रैल 2015। तो 5 अप्रैल 2015 को स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत वे लोग अनुसूचित जनजाति या जाति जो अपनी नई कंपनी को इस्टेब्लिश करके रनिंग कराना चाहते हैं स्टैंड अप के अकॉर्डिंग, उनको भारत सरकार 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए का ऋण प्रोवाइड कराएगी, यानी उनको देगी। उसके बाद आती है प्यारे बच्चों भारत आत्मनिर्भर भारत, इसकी शुरुआत हुई थी 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत की बनी थी। यानी उस टाइम पे हमारे देश के अंदर कोरोना आ चुका था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उन युवाओं को जो बेरोजगार थे कहा कि भैया सबको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हाल फिलहाल में ही अभी पीछे के एग्जाम में भी आ चुकी है, तो इस सबके सब आप याद कर लीजिएगा सर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।